आज का हमारा लाइफ पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत के खिलाफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द फिरौन, बंगालों का दुश्मन, बलोचों का दुश्मन, अफगानों का दुश्मन, उन्होंने हमारे जो अफगान लोग अफगानिस्तान से आता है पाकिस्तान में उसके साथ क्या करता है। तो इसलिए हम आपको उर्दू में ये लाइव करना चाहते हैं। पहला बात तो यह कि हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, हम पंजाबी आम लोगों के खिलाफ नहीं है, मगर जो ये जालिम और वहशी रियासत हमारे पठानों के साथ क्या खेल कर रहा है, मैं एक एक वीडियो आपको सबूत के तौर पर दिखाऊंगा और फिर मैं लाइव करूंगा। हमारा जो अपना पठान लोग है उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो जितने भी शेयर कर सकते हो शेयर करो, जो कि पाकिस्तानी पंजाबी तक पहुंचाए, इंडियन लोगों आम लोगों तक पहुंचाए, दुनिया में जितना भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं उस तक पहुंचाए कि पाकिस्तान की ये वहशी रियासत जो 45 साल हमारे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारा 30 लाख अफगानों को इसी पाकिस्तान ने मारा है, लाखों हमारे अफगानों को दर्दी से मारा है, उन्होंने उनको बेघर कर दिया। ये सारा डिटेल के साथ में इंशाल्लाह देखो। ये पहला वीडियो देखो। एसएसपी वेस्ट जनाब फैसल बशीर मेमन की हिदायत पर पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के थानेदारों ने मिडनाइट ऑपरेशन किया है अफगानियों के खिलाफ, जो गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे यहां पर थे और आ रहे थे उनके खिलाफ ये क्राइम में मुलविस है। इस मिडनाइट ऑपरेशन में 313 अफगान जो है वो बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ औरंगी टाउन में करबला रोड के करीब से पुलिस ने जो है वो तकरीबन 81 जो है अफगानियों को गिरफ्तार किया। दो में से बसों में जो मशकूक हालत में थे, मशकूक हालत में बसों में जो है वो पाकिस्तान में कराची में आए थे, उनमें 81 में 32 मर्द, 23 खवातीन और 26 बच्चे शामिल हैं। एसएसपी वेस्ट जनाब फैसल बशीर मेमन की हिदायत पर देखा। पहला बात तो यह आप इस वीडियो में देखो, औरतें और छोटा छोटा बच्चा भी नजर आएगा। इसी पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत हमारे मुल्क में खुदकुश भेज रहा था ये 45 साल से, इधर दहशतगर्द ट्रेन करता था हमारे अफगानिस्तान में भेज रहा था। आपको खुद पाकिस्तान का न्यूज का बात है कि हमारे जो जो पंजाब में 80 दहशतगर्द तंजीमें हैं, और फिर ये हमारे जो बच्चे है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, वो आता है इलाज के लिए, मगर ये उसको पकड़ लेते हैं और फिर अदालतों में ले जाते हैं और फिर उससे पैसा छीन लेता है, उसी जो पास जो छोटा मोटा कोई चीज हो जेब में उसे छीन ले जाता है, फिर उसको जेलों में डाल देता है 3 माह 4 माह, क्योंकि उसके अंदर बच्चे होता है। इतना जुल्म इस दुनिया में किसी कोई कंट्री कर रहे हैं? जो ये पाकिस्तान की रियासत जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ, ये दहशतगर्द, ये फिरौन रियासत, ये काफिर रियासत, खुदा की कसम याद रखो, यह पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, खुदा कसम जो काफिर होगा आपके मुकाबले में हम उसके साथ खड़े हैं आपके खिलाफ। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि एक एक बच्चे का हम आपसे जो है ना हम बदले लेगा। फिर एक और वीडियो में पश्तो में हमें उसको कोशिश करेगा कि आपको जो है ना उसका तर्जुमा करूं, ये पश्तो में है, फिर इसको सुन लो फिर बात करेगा। ये जो है ना ये पश्तो में बोल रहे हैं, इसका ताल्लुक सुवात से है, ये अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि 1000 औरतें हमारा उन्होंने ले गया ये पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने। जो ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान के पठानों के साथ कर रहे हैं, ये जो पुश्तूनवा है इसमें 4000 औरतें गुम हो गए, 4000। इसका मैं वीडियो भी बनाएगा। ये पुश्तों में बोला है कि पाकिस्तानी फौज ने हमारे शहर में हमारे जो गांव में सुवात 1000 औरतों को लेकर गया, उसको गुम कर दिया, वो बिल्कुल उसका पता नहीं है। ओ लोगो, दुनिया के लोगो, ये मुनाफिक रियासत, ये दहशतगर्द रियासत, ये पाकिस्तान रियासत बात कर रहे हैं कि फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, बर्मा में बहुत जुल्म हो रहा है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जालिम मुल्क पाकिस्तान की रियासत है जो हमारी औरतों के साथ ये कर रहे हैं। मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा कि जो कि पंजाबी भाई आपको समझ आए, ये उर्दू में इसलिए कर रहा हूं, उर्दू के बलोचों को भी सिंधु को भी सबको समझ आए कि ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये डॉलर के मुकाबले में कुछ भी कर सकता है। ये काफिरों के साथ, हम खुद काफिरों के साथ खड़ा होगा इसके खिलाफ, जो कि ये काफिर के साथ खड़ा था, उन्होंने 52 कंट्री को लेकर आए, तालिबान का गवर्नमेंट खत्म कर दिया, इसी पाकिस्तान में अमेरिकन के साथ खड़ा था, सब जितना काफिर कंट्री था यूरोप का सबके साथ खड़ा था, हमारा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इंशाल्लाह इसका टाइम आने वाला है कि हम अफगान जो पठान है ना, हम हर हम हम
हर लम्हे जो है अपना जो है इसका बदले लेगा और आपको छोड़ेगा नहीं पाकिस्तानी। याद रखो आप बाजवा दहशतगर, ओ ओ ओ पाकिस्तानी फौज, ओ हरामी पुलिस वाला, ओ सिंधी जो पुलिस और जो जो बाकी जगह पर है, इंशाल्लाह पठान एक एक चीज का बदले ले लेगा। ये बांग्लादेश में जो आपने किया वो बांग्लादेश वाला नहीं बोला, जो आपने बलोचों के साथ किया वो सब याद है। अभी जो हमारे पठानों के साथ कर रहे हो, हमारे औरतों को उठा रहे हो, हमारे बच्चों को मार रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो, खुदा कसम इसका टाइम आएगा हम आपसे बदल लेगा। जो कि आप दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद जो दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं वो भी पाकिस्तान मुनाफिक है। एक पाकिस्तान दहशतगर्द रह सकते, इसका काम और नहीं है। एक और वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि मैं वीडियो के बाद फिर आपसे साथ बात करूंगा। ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, ये जहां देखो ये हमारे साथ ये सोच रहे हैं कि हम पठान हमारे ही बेइज्जती करें, हमारा औरतों को और हमारे बच्चों को हम भूल जाए, इसी के ऊपर हम हमारा जान कुर्बान है, हमारा सारा पठानों का जान कुर्बान है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा ये जो पाकिस्तान है दुनिया से हम ऐसे करेगा, इसको खत्म करेगा इंशाल्लाह। ये जो जब से बना हुआ है ना ये पाकिस्तान के नाम पर ये दहशतगर्द रियासत, इसने 30 लाख बंगालों को शहीद कर दिया। क्यों बंगालों भाई मेरा बात सुनो, पाकिस्तान के मुनाफिक मीडिया और इसकी बातों में मत आओ, उन्होंने आपका 30 लाख लोगों को शहीद कर दिया। एक गोली से बोल रहा था कि 7-7 बंगालों को खड़ा कर दो, एक गोली से 7-7 बंगालों को मारो, जो कि एक गोली का कीमत ज्यादा होता है, बंगालों का कीमत नहीं है। 10 लाख औरतों के साथ उन्होंने आपके रेप किया, ऐसी पाकिस्तानी फौज ने, ऐसी पाकिस्तानी दहशतगर्द रियासत ने। फिर बलोचों के ऊपर उन्होंने हमला किया, बलोचों को लाख बलोचों को नस्ल के खत्म कर दिया, बलोचों औरतों के साथ रेप किया, फिर उसको जहाज से उसको फेंका जमीन पर। फिर उन्होंने इधर से गया फलस्तीन में, 1970 की बात है, इधर से गया फलस्तीन में इसराइल से पैसा लेकर फलस्तीन के उन्होंने जो है ना उधर उधर इसराइल के साथ खड़ा हो गया, फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी किया। और अभी 45 साल हमारा लड़ोबर अफगानी के ऊपर ये जुल्म कर रहे, वहशत कर रहे, ये पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, इसका काम ये है। अभी देखो इमरान खान का क्या हालत है, इमरान खान का FIR रजिस्टर नहीं होता। एक पहले से प्राइम मिनिस्टर था इधर, मगर उसका FIR उसके ऊपर गोली लगे उसका FIR कट नहीं होता। इससे आप अंदाजा लगा लो कि हमारे साथ ये क्या क्या नहीं करते, ये पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, ये दहशतगर्द रियासत, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर बीमारी है। इसका और मैं और यूट्यूब दिखाऊंगा, फिर जाना आपसे बात करूंगा। ये देखो भाई, देखो ये देखो, ये देखो बैन बैन मुनाफिक पाकिस्तान पैमाने वाला इंशाल्लाह। देखो ये हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ उसको रिगाते हो ना, पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, उसको इस औरतों को तुम जेल में डाल रहे हो ना। खुदा कसम हमारा सारा बच्चे कुर्बान हो जाए, मगर हम आपको छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत। ये देखो इसके पास दवाई का पर्चा है, ये देखो इस बेगैरत रियासत, तुम कश्मीर की बात करो, शर्म करो बेगैरत रियासत। कश्मीर इंडिया तुमसे 100% बेहतर है, रशिया तुमसे 100% बेहतर है, इसराइल तुमसे 100% बेहतर है, दुनिया का सारा काफिर आपसे अच्छा है। ये देखो इस जो यूरोप में लोग रहते हैं कितना इंसानियत है, मुसलमान आपका 1.5 मिलियन जो पाकिस्तानी और बरतानिया में रहता है उससे पूछो कितना कनाडा में रहता है, कितना अमेरिका में रहता है, कितना जर्मनी में रहता है, देखो कहता इंसानियत का जिंदगी है। और तुमने जो जो वहशत कर रहे हो ये 45 साल हमारे पठानों के साथ, हमें भूल जाएगा खुदा कसम, जो भूलेगा उससे अफगान नहीं होगा। देखो और वीडियो में दिखाएगा, देखो 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 वो ऐसे बोलते हैं पुश्तों में कि 3 और बसे छोटा छोटा बच्चों को बेगैरत, अगर आपने डोरन लैम के ऊपर समी खादार लगाया तो हम भी कंप्लीट बंद करो, इस पिन बोलता को भी बंद करो, उसको मत छोड़ो। तुम तो उधर छोड़ते हो उसको, फिर इधर पुलिस खड़ा करती है, उससे पैसा लेता है, उसको उसके पास कुछ आधा जेवर होता है, किसी के पास घड़ी होता है, कुछ भी होता है, वो सामान ही चोरी करते है। ये चोर चोर पाकिस्तान, ये बेगैरत पाकिस्तान, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। हम खुदा की कसम से एक एक चीज का बदला ले लेगा। और अगर टाइम आ गया ना तो यूरोप से अगर बात शुरू हो गया पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, खुदा कसम आपका कोई पाकिस्तानी यूरोप में नहीं रहेगा। फिर हम एक पठान आपका 1000 आदमी का मुकाबला कर सकते हैं, खुदा कसम हम जान माल पर फिर बाजी लगाएगा। अगर आपने ये जुल्म, ये वहशत, ये हरामी तो बन नहीं की हमारी पठानों औरतों और बच्चों के साथ, बेगैरत तुमने जो 45 साल से अपने मदरसों में पढ़ रहे हो और दहशतगर्दों को और अफगानिस्तान में भेज रहे हो, बेगैरत तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम बोलते हैं हमारा इंडिया दुश्मन है, फिर उसको आपने जो है ना बादल खोला है,
उस तरफ आपका बॉर्डर खुला हुआ है, वहां का बॉर्डर, और इस तरफ जो हमारा एक एक पठानी की जुबान, एक एक चीज, एक नस्ल का आदमी रहते हैं, उधर आपने बंद कर दिया। बेगैरत, उस तरफ भी बंद करो, इंडिया को भी बंद करो, इंडिया के साथ आप ये कर सकते हो। ओ पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, तुम इंडिया की एक औरत के साथ ये कर सकते हो, और अगर तुम एक औरत के साथ ये करेगा तो तुम्हारा पाकिस्तान को ऐसे करेगा, जलील करेगा, तबाह करेगा। एक पिलोट जो इंडिया से आया 24 आवर ने अपनी जो है ना उसको वापस कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को वापस कर दिया, जो कि इंडिया में ताकत था। आपने तो हमारा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। रशिया और अमेरिकन की लड़ाई था, हमारा मुल्क आपसे मजबूत था, हर हिसाब से आपने रशिया और जो अमेरिकन लड़ाई था, हमारा पठानों को यूज किया, आपने डॉलर लिया और हमारा मुल्क को, पुल को, हॉस्पिटल को, सब कुछ का तबाह बर्बाद कर दिया। ओ बिजनेस वाला, आपने अपना 70,000 पठानों को जो जो वजीरिस्तान में उसको मारा, मुशर्रफ ने अपने बुक में लिखा और दुनिया से पैसा डॉलर लेके लिया। आपका तो काम दहशत कर दिया। आप छह नई औरत के साथ ये कर सकती हो, ईरानी एक औरत के साथ कर सकती हो, ऐसे जुल्म जो हमारे पठानों के साथ कर रहे हो, बेगैरत। आपका तो सब ऐसे तो नहीं है कि आपके लोग मुल्क, आपके मुल्क में लोग आता है, आपका लोग कितना मुल्कों में जाता है, महाजर और पनाह को वो जगह देता है। एक 100 लाख पाकिस्तानी महाजर है दुनिया में। तुम मत सोचो, तुम मत सोचो कि तुम आज जुल्म कर रहे हो और इस जुल्म का बदला हम नहीं लेगा। हम अहमद शाह अब्दाली का बच्चा है, वो अहमद शाह अब्दाली का बच्चा है जो आपने मिसाइल के ऊपर नाम रखा है, वो अहमद शाह अब्दाली का बच्चा है। खुदा कसम, आपका सारा ऐसे ऐसे एक दिन ऐसे ऐसे भीड़ से निकालेगा, आपको खत्म करेगा इंशाल्लाह, जो कि आपने पठानों को, बच्चों, औरतों के साथ इतना जुल्म दुनिया में नहीं हो रहा जितना जुल्म आप कर रहे हो। दहशतगर्द रियासत, तुम क्या समझते हो, तुमसे क्या समझते हो हम इसके ऊपर चुप जाएगा? तुमने ऐसे हजारों पठानों को इधर उठाते हो, फिर उसको मार लेता हो। उस दिन आपने 500 नामालूम अपराध मुल्तान के हॉस्पिटल की सर छत के ऊपर पड़ा था और उसमें ज्यादातर पठान और बलोच था। क्या ख्याल है आपका कि पठान का कोई पूछने वाला नहीं है, पश्तून अफगान का कोई पूछने वाला नहीं है? इतना बेगैरत नहीं हुआ हम? इतना अभी अहमद शाह अब्दाली का इधर बच्चा है, महमूद गजनवी का बच्चा है इधर, इंशाल्लाह ये एक एक बदलाव से ले लेगा। और ये हम इसलिए आपसे बोल रहे कि जो पंजाबी लोग हैं वो आम लोग वो बोलते हैं कि हम आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, मगर हम ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्द रियासत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के दहशतगर्द फौज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का बाजवा जो कर रहे हैं, ये जो रईस शरीफ ने किया, मुशर्रफ ने किया, ये हमारे दिलों के ऊपर लिखा हुआ है। इंशाल्लाह टाइम आने वाला है कि हम आपसे बदला लेगा। आज का हमारा इतना सलाह था, उर्दू में इसलिए किया कि बात हमारा जो जो गुलहान लोग है वो बोलता है कि आप उर्दू में वीडियो बनाओ, जो कि आप वो समझता नहीं है जो आपका दुश्मन है, क्यों पश्तो में कर? आज मैं पश्तो में नहीं कि उर्दू